दोस्तों भाई साहब क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग मजे होंगे, फुल मस्ती मजे कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज है तारीख 28 शाम के 5 बज रहे हैं। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करने आया हूँ त्रिवेणी अलमीरा कंपनी के बारे में। उसका इंटरव्यू आज 10 बजे था, 28 तारीख को 10 बजे था और फिर से वही कहानी रिपीट हो रहा है और फर्स्ट राउंड क्लियर हो चुकी है मेरी, फर्स्ट राउंड क्लियर हो चुकी है त्रिवेणी अलमीरा। बेसिकली शायद इसमें मुझे अलमीरा बेचना होगा, पता नहीं क्या करना होगा, उतना कुछ क्लियर पता नहीं है। जो भी करना होगा मैं करने को तैयार हूँ। फर्स्ट राउंड क्लियर हो चुकी है। तो फर्स्ट राउंड में क्या क्या पूछा गया, फर्स्ट राउंड में इंट्रोडक्शन पूछा गया, इंटर्नशिप में मैंने क्या किया वो पूछा गया और अगर आपको यूपी और एक और कोई लोकेशन था, मैं भूल रहा हूँ, एक और लोकेशन था, उस लोकेशन में भेजा जाता है तो आप वहाँ पे कंफर्टेबल होंगे, सेल्स कर पाएंगे। बस यही तीन क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से। दो जगह दिया गया, उसमें बोला गया कि आप वहाँ पे सेल्स कर पाएंगे और एक क्वेश्चन और था कि आप 2 दिन में छोड़ेंगे तो नहीं। अब मुझसे एक सवाल और पूछा गया था कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है इससे, मतलब कोई हेल्थ इशू तो आपको, कोई मेडिकल इशू तो नहीं है। पता नहीं ये सवाल क्यों पूछा गया, पता नहीं। तो बेसिकली अंदर की बात बोलूँ तो मुझे इस कंपनी में जाने का मन नहीं है। क्यों नहीं है मन, क्योंकि मैंने सोचा था फाइनेंस लेने का मकसद ही था मेरा कि मैं फाइनेंस में जॉब करूँगा, अगर सेल्स भी करूँ तो फाइनेंस के प्रोडक्ट का ही सेल्स करूँ। अगर लास्टली अगर सेल्स मिलता भी है तो मैं सोचा था कि फाइनेंस प्रोडक्ट का ही सेल्स करूँगा, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, रिमेटमेंट का सीन होगा। लेकिन यहाँ पे तो अलमीरा का सीन था। तो अंदर से दिल कह रहा है कि नहीं जाओ, लेकिन दिमाग कह रहा है कि चले जाओ, क्योंकि कुछ ऑप्शन बच नहीं रहा है। अब कंपनियाँ बहुत कम आ रही है, लेकिन बहुत कम कंपनियाँ आ रही है। ऑलमोस्ट सारे लोग प्लेस हो चुके हैं, मेरे जितने भी दोस्त लोग थे सब प्लेस हो गए हैं। तो यहाँ पे कोई बचा नहीं है, ज़िंदगी एकदम वीरान सी हो गई है, अकेला थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने भर दिया इसमें। अब देखते हैं 2 तारीख को 2:30 बजे नोएडा कॉर्पोरेट ऑफिस में बुलाया गया है मुझे इंटरव्यू के लिए। बेसिकली 17 लोग इसमें भरे थे, फाइनेंस के और मार्केटिंग के दोनों लोग भरे थे इस कंपनी में। तो 8 लोग का सिलेक्शन हुआ है, 17 लोग में से 8 लोग का सिलेक्शन हो चुका है और 8 लोगों को ऑफिस नोएडा कॉर्पोरेट ऑफिस में बुलाया गया है। तो देखते हैं 2 तारीख को क्या होगा, भगवान करे हो जाए। भाई साहब मैं अब इस पीजीएम वाली ज़िंदगी से थक गया हूँ, मुझे अब नई ज़िंदगी जीनी है। तो भाई हो जाए तो समझ रहे हो, नया पंख लगा के मुझे उड़ना है। अब इस पंख, जो पहले के जो पंख था उसको गिरा देने का समय आ चुका है और नया पंख लगा के हवा में उड़ना है। देखिए क्या होता है जी। कुछ लोग का सवाल आ रहा था कि इन टाइम इन्वेस्टमेंट में आपका हुआ, मेरा नहीं हुआ। इसके लिए उस टाइम ही क्लियर था कि मुझसे सवाल ही नहीं पूछा गया था, तो उस टाइम में क्लियर हो चुका था कि मेरा नहीं होगा। 1% दिल में था कि कहीं गलती से हो जाए, लेकिन उस समय क्लियर था जब मुझसे सवाल ही नहीं पूछा गया था भाई किस बेसिस पे मेरा सिलेक्शन करेंगे वो। तो देखो बेसिकली आज तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, बेसिकली 27 तारीख को मैंने कुछ नहीं पढ़ा था कि मेरा दिल कह रहा है कि नहीं जाओ, मेरा दिमाग कह रहा है कि जाओ, क्योंकि भाई साहब कुछ ऑप्शन नहीं बच नहीं रही है। ऑप्शन आएंगे भी तो बेसिकली मेरा मन नहीं है कि अब ठहरने को, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। बस यही है कि कोई जॉब मिले और मैं यहाँ से निकलूँ, नई पंख लगा के आसमान में उड़ना शुरू कर दूँ, क्योंकि अब यहाँ दिल नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। तो वही है कि अब मुझे जाना है, इसलिए मैंने पढ़ दिया। और इस वजह से मैंने पढ़ा भी नहीं था कि भाई मार्केटिंग सेल्स ना करने का मन था, लेकिन भाई अब आज पढ़ूंगा। 28 तारीख को
शाम में 5-6 बजे से मैं पढ़ना शुरू करूँगा, क्योंकि मुझे जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए, तो पढ़ूँगा और इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा दिखाऊँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना पूरा देखना। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और भगवान से दुआ करना कि मेरी प्लेसमेंट जल्द हो जाए। क्या मिलते हैं नेक्स्ट डे, मतलब 2 तारीख को मिलते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में। तो अभी सीआरसी की तरफ से मेल आया है कि कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उनके ऑफिस में। एड्रेस भी आ चुका है, आईडी एड्रेस प्रूफ लेके जाना है, आपका जो 10-12 शायद ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट सब है उसका कॉपी लेके जाना है और अपडेटेड सीवी लेके जाना है और पूरा का पूरा प्रॉपर क्लीन सेव जाना है भाई। बेसिकली मैं बहुत दिनों के बाद प्रॉपर क्लीन सेव होऊंगा, बेसिकली ये चीज़ मैं 2 तारीख को ही करूँगा। आज तो मैंने 3 नंबर पर ट्रिम मार लिया, स्ट्रीम कर लिया था, लेकिन ट्रिम करना सही नहीं है, तो प्रॉपर क्लीन सेव करके ही जाऊँगा भाई। सब पिछले दिन जो कांड हुआ ना, मेरे दोस्त लोगों को जो भी थे वहाँ पे सेलेक्टेड थे सेकेंड राउंड के लिए एनी टाइम इन्वेस्टमेंट के कंपनी के लिए, उनको दाढ़ी के लिए बोला गया था उनके तरफ से, सेकेंड राउंड में बोला गया था कि आपने इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों रखी है। मुझे तो नहीं बोला गया था, मुझे अच्छी दाढ़ी था, लेकिन चार नंबर मैंने ट्रिम किया था। लेकिन भाई साहब इस बार कोई रिस्क नहीं, प्रॉपर क्लीन करके जाना है, प्रॉपर क्लीन, कोई रिस्क नहीं। मुझे जॉब चाहिए भाई, जॉब चाहिए किसी भी शर्त पे मुझे जॉब चाहिए भाई, जॉब दिला दो कोई मुझे भाई। क्या तो भाई साहब आज है 2 तारीख और मैं पहुंच चुका हूं त्रिवेणी अलमीरा कंपनी के सामने। अभी 1:30 बज रहे हैं, इंटरव्यू 2 बजे से है। गार्ड साहब बोल रहे हैं कि अभी लंच हुआ है, आप 1.5 घंटे के बाद आए। तो इसके लिए मैं गया, कुछ खा पी लिया भाई। भाई दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली चला गया था दोस्त के पास, कुछ काम था, तो वहाँ से अभी जस्ट रात में वहीं ठहर गया था। कल शाम में ही निकला था यहाँ से, करीबन 3-3.5 बजे कल 1 तारीख को 3.5 बजे मैं निकला था यहाँ से। रात काम होते होते सब कुछ होते होते रात के 9-10 बज गए थे, तो मैंने सोचा कि भाई वहीं रुक लेता हूँ और वहाँ से फिर यहाँ पे सुबह में निकल जाऊँगा। भाई सब बहुत ट्रैफिक था दिल्ली भाई। आज मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था दिल्ली में, इतना ट्रैफिक था ना, माथा ख़राब हो गया था भाई। सर दर्द घूम रहा था कि भाई मैं पहुंच पाऊंगा कंपनी में या नहीं टाइम पे, मुझे बहुत ज़्यादा शक हो रहा था। टाइम थे मेरे पास, मैं फिर 9:15 में मैं अपने दोस्त को ऑफिस छोड़ के और वहाँ से निकला हूँ, और फिर अभी मैं 1 बजे यहाँ पहुँचा हूँ, 9 बजे का निकला हुआ 1 बजे। भाई क्या चल रहा है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है भाई, सर घूमता होता है बाइक लेके, बहुत बेकार स्थिति है भाई। मैं सोचा था दिल्ली का ट्रैफिक सही है, लेकिन नहीं भाई, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत मुश्किल होता है बाइक चलाने में, बहुत पंगा है भाई। पहुँच गया भगवान का बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ मैं। भाई साहब कंपनी के जस्ट सामने एक बहुत अच्छा गार्डन है जहाँ पर सब लोग खेल रहे हैं, कुछ लोग सुट्टा भी मार रहे हैं, सब लोग अधिकतर लोग बैठे ही हैं, कुछ लोग सुट्टा मार रहे हैं, 1-2 लोग गलती से होते हैं नमूने, कुछ कलाकार लोग होते हैं सब जगह, लेकिन अधिकतर लोग खाना खा रहे हैं टाइम जस्ट अपना लंच टाइम शायद ब्रेक हुआ हुआ है कंपनी में, तो वही सब लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपना खाना पीना खा रहे, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर से जॉब की तरफ रवाना होंगे सब लोग। तो भाई साहब आज है 7 तारीख और रात के 9 बज रहे हैं, त्रिवेणी अलमीरा
कंपनी के तरफ से रिजल्ट जारी कर दिया गया है और उसमें दो लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। इस कंपनी में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा होगा हमारे लिए, देखेंगे ज़िंदगी में क्या सब चल रहा है, क्या हो रहा है। इस कंपनी में मुझसे फर्स्ट राउंड तो हुआ था, उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफिस में बुलाया गया, सेकेंड राउंड में भी दो राउंड हुआ। भाई साहब जब नहीं लेना होता है, जब नहीं कुछ करना होता है, भाई इतना ताम झाम काय को करते हैं मुझे समझ नहीं आता। भाई साहब दो घंटे क्या, दो तीन घंटे वहाँ बैठे, करीबन दो अढ़ाई तीन घंटे बैठे वहाँ पे, एक घंटा तो वेट ही किए थे, और करीबन आधा से 45 मिनट इंटरव्यू चला मेरा, 45 मिनट इंटरव्यू चला दो राउंड। सेकेंड राउंड में जब ऑफिस में गया तो वहाँ पे दो राउंड इंटरव्यू हुए, तो सवाल एकदम नॉर्मल से थे, एकदम नॉर्मल सवाल पूछ रहे थे। 45 मिनट इंटरव्यू चला दो राउंड में, करीबन आधे घंटे से 45 मिनट इंटरव्यू चला होगा। सवाल एकदम कॉमन सवाल पूछे थे, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंटर्नशिप में क्या करा, तुम सेल्स में क्यों आना चाहते हो, सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंस बताओ। बेसिकली एक यही सवाल मुझे लगा कि भाई थोड़ा सा तरीके का था, सेल्स और मार्केटिंग का डिफरेंस ये भी तो कॉमन ही है। घर में कौन कौन है, पापा क्या करते हैं, पापा की इनकम क्या है। मैंने बोल दिया, मैं बोला कि मेरे पापा फार्मर है, तो तुम, उन्होंने पूछा कि तुम गांव जाते हो। मैंने बोला कि कभी कभी एकदम, इसके लिए मैं गांव नहीं जाता, कभी कभी एकदम रियर केस में गांव गया, अदरवाइज मैं अपने कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर एक शहर है, लोग तो गांव ही बोलते हैं उसको, लेकिन वो कह सकते हैं कि शहर से है वो, तो मैं वहीं रहता हूँ। मेरे गाँव, मेरे घर से जो क्या होम टाउन जो है मेरा मुजफ्फरपुर में, उससे 25 किलोमीटर दूर है। तो तुम्हारे पास कितना खेत है, कितना बीघा खेत है। भाई क्या आज सवाल है भाई, मुझे नहीं पता, मैं कभी प्रॉपर इन्वॉल्व नहीं था उसमें, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे पास कितना खेत है। भाई मैं उसमें प्रॉपर इन्वॉल्व नहीं हूँ, कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं है मेरा, मुझे नहीं पता है क्या ही मतलब है, तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पास कितना खेत है। भाई क्या मजाक है, ये सब एकदम नॉर्मल से सवाल पूछ रहे थे। कोर सेल्स का जॉब है, फील्ड में घूमना होगा, 100 से 150 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा, कर पाओगे। भाई साहब सेल्स में आया तो भाई साहब कर पाऊंगा, तभी तो सेल्स में आया था, भाई आता ही नहीं, भाई कर पाऊंगा तभी तो आ रहा हूँ, तभी तो कर रहा हूँ भाई, तभी तो इतना माथापच्ची कर रहा। भाई क्या सवाल थे, इसमें भी रिजेक्शन, ये नॉर्मल सा सवाल है, इसमें भी रिजेक्शन है, सब किस्मत का खेल है मेरा तो भाई। अब पढ़ाई लिखाई से एनी टाइम इन्वेस्टमेंट में मेरा जाने का मन था, मैंने उसके लिए अपना एफर्ट भी डाला था, लेकिन हुआ ही नहीं, मेरे सवाल ही नहीं पूछा गया, क्या ही कर सकते हैं। तो यही सब गेम है, नॉर्मल सवाल से भाई सब, इसमें कुछ लग रहा है कि भाई टेक्निकल है जो कि मैं नहीं बता पाया होगा, तो क्या कर सकते, नहीं हुआ बस। तो उम्मीद करते वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना, और बताना कि इसके लिए मेरे में अगर आपको कुछ खामियां नज़र आई होगी तो बताना कमेंट बॉक्स में, मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आपके कुछ क्वेरीज होंगे तो बताना कमेंट बॉक्स में, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाकर चेक करो, और बात करने का मन होगा तो कॉल कर लेना। गुड नाइट।